हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो आपका करवा चौथ कैसा था आप बताना जरूर। और कल तो हम जब गए थे तो चांद तो आ ही नहीं रहा था। 10 बज गया, 10:30 बज गए, बस गए। स्टिल मुंबई में चांद नहीं दिख रहा था, लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा था। और दिल्ली में दिख गया, यूपी में दिख गया, लेकिन मुंबई में नहीं। क्यों? क्योंकि बारिश हो रहा था, बादल हो चुका था, जिसकी वजह से नहीं दिखा और सबका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा था। तो मॉर्निंग से नाइट हो गया, 10 के अबो हो गया और अभी तक चांद दिखा नहीं। और लोग इतने डिजिटल हो गए थे कल। आप ये वीडियो को देखोगे तो पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि डिजिटल, ओ माई गॉड, रियली डिजिटल सब हो गए थे। और उन्होंने किस तरह से अपना फास्ट को मतलब कि पूरा किए, कंप्लीट किए। और बहुत ही मतलब कि फनी, वहाँ पे एक कपल थे, वो उनका तो इतना हंसने को आया, लिटरली उनका मतलब कि उस चीज क्या ही बोलूँ, आप देखोगे तो पता चलेगा। और मैंने थोड़ा सा मेरी फैमिली में जो फास्ट रखते हैं उनका भी मैंने वीडियो क्लिप ऐड किया है। लेट्स सी वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या पता। बट जिसने भी वीडियो निकाला, प्लीज़ भाई थोड़ा अच्छे से निकाल लिया करो, इतना ब्लर कौन निकालता है, किसी का अच्छा मोमेंट खराब हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और यूपी में आ गया था, दिल्ली में आ गया था, हर जगह पे चांद आ गया था और सिर्फ मुंबई में ही चांद नहीं आ रहा था। और लोगों को जस्ट मैं ये सिर्फ मुंबई में नहीं आ रहा था, लोग बोल रहे थे क्या मुंबई में इतना पाप होने लगा कि मुंबई में चांद ही नहीं आ रहा। लिटरली वी आर जस्ट हैविंग फन ओवर देयर। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था। और सब लोग स्टिल उसके बाद भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और बहुत सारे लोग लास्ट तक सिर्फ चांद मामा का वेट कर रहे थे। हम लोग बोलते चांदो मामा का वेट कर रहे थे। और चांदो मामा स्टिल वो जब आए तो लोग भी पागल जैसे वापस आए, मीन्स वो नहीं आए बट अदर्स जिन्होंने अपना फास्ट ओपन नहीं किए तो वो आकर उन्होंने कंप्लीट किया अपना। बट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फन था। बट थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब मतलब कि कपल ऐसे करते खिलाते स्वीट एंड ड्रिंक। मेरा तो नहीं था, जब मैं रखूंगी तब पता चलेगा कैसा होता है। बट दूसरे को देखकर थोड़ा सा हम लोग बच्चे हैं, थोड़ा ही स्माइल मस्ती मजाक कर लेते हैं उधर ही। बट बहुत अजीब सा लगता है कि लोगों को सामने वो करना रीति रिवाज को। बट फन था, लेकिन लोगों का प्यार वही है, जोड़ी को सलामत रखना एंड ऑल। बट लिटरली जब मेरा टाइम आएगा तब तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, अभी लोगों का एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर साल आते हैं हमारे सोसाइटी में और बहुत ही हम लोग हर कोई उठ उठ के जाते सिर्फ देखने के लिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती, मीन्स दिया मिल जाएगी आपको, करवा मिल जाएगा, लाइक को करवा चौथ का पूजा करने के लिए जो भी सामान सब यहाँ पे मिल सकता है। तो विजिट किए थे और यहाँ पे फिर रात को सब लोग वेट कर रहे थे। देखो आप देख सकते हो कि चांद का वेट हो रहा है, चांद राइट, हाँ मून का वेट हो रहा है। तो चांद और मून दोनों सेम होते हैं, तो लोग यहाँ पे खड़े हो गए और वेट कर रहे हैं सब। देखो कितने अच्छे से रेडी वेडी होकर आए थे मस्त में, और वही इनकी इंतज़ार और इनका पेशेंस दोनों ही साथ नहीं दे रहा था। और बाद में फाइनली दे बिकम द डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने स्टार्ट ही कर दिया था पहले, मतलब कि पूजा, मतलब कि चांद तो आया नहीं था, विजिबल हुआ ही नहीं क्योंकि बारिश हो रहा था, तो विजिबल हुआ ही नहीं। तो इन्होंने सोचा कि, और लेट भी तो हो रहा था बट ऑब्वियस 10:30 हो गया और अभी तक आए नहीं, तो इसके वजह से। तो सब देखो आप किस तरह से लोग डिजिटल इंडिया बन रहे थे कि उन लोगों ने अपना यूपी जो भी स्टेट में जिसके भी रिलेटिव्स थे जहाँ पर आ गए थे वहाँ पे वो स्टार्ट कर दिया वीडियो कॉल करके, बोले कि चांद दिखा दो हमें, और उनका चांद आ गया फ़ोन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो दिया जलाने की कोशिश कर रहे थे, इतना हवा आ रहा था क्योंकि बारिश, मतलब कि वेदर वैसा बना हुआ था ना, तो जिसकी वजह से दिया ही नहीं जल रही थी उनकी। तो वो ट्राई कर रही थी अपना दिया जलाने के लिए ऊपर नीचे हर जगह से, बट वो दिया जलता ही नहीं है, थोड़े देर के लिए जलता है फिर बंद हो जाता है। देखो अभी कैसे वो है ना, चला जाएगा, बुझ जाएगा वो दिया, मतलब कि वो लिटरली वो होल्ड पे था ही नहीं, मतलब कि इतना प्रॉब्लम हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था वो हवा के वजह से। और विदाउट मेरे ख्याल से दिया का ही करना पड़ा, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब कि हाँ वो ऊपर खड़े ही होते, देखो दिया वो उनका बुझ जाता है। देखो अब देखो, चेक करो, इतना मतलब कि जो मोमेंट इंजॉय कर सकते तो वो हो ही नहीं पा रहा था। और फिर यहाँ पे देखो बाकी लोग ने भी सेम वही प्रोसेस किया, वही चीज़ों को किया कि अपने रिलेटिव्स से वीडियो कॉल पे जो चांद वहाँ पर आ गए वहाँ से लेकर अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और फिर यहाँ पे देख सकते हो कि इनका फिर
हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल एंड ऑल चालू हो गया, जो वहाँ आगे होना चाहिए मतलब कि पूजा एंड ऑल। तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को देख रहे हैं फ़ोन के थ्रू, आजकल डिजिटल इंडिया भाई। और फिर यहाँ पे भी वही सारे प्रोसेस स्टार्ट हो गए पूजा पाठ का। देखो यहाँ पे इनके दिया रुका था थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए जस्ट, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि वो दिया भी बुझ गया। यही जो कपल है इतने कॉमेडी था ना इनके साथ। हम सब मतलब कि मेरी ये फ्रेंड भी थी मेरे साथ, हम सेकंड फ्लोर पे गए थे देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि बेचारे आई थिंक इतना ऑकवर्ड मोमेंट था ना, इतना ऑकवर्ड फील कर रहे थे वो कपल। और उनके पास देखो वो मतलब कि आई थिंक उनका फर्स्ट टाइम था, उसका आई थिंक न्यूली मैरिड है वो, इतना आइडिया नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेंजर है मेरे लिए, मेरे कोई रिलेटिव्स में नहीं आते वो। तो स्ट्रेंजर तो वो आंटी जो है ब्लू कलर में, वो उनको गाइड कर रही है कि आपको ये करना है ये करना है, इसके बाद ये करना है। इतना अजीब लग रहा था ना मतलब कि, और लिटरली उनको भी नहीं पता कि उनका मीन्स करवा चौथ कैसा किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे वो। तो यहाँ पे देखो वो कुमकुम लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं अपने हस्बैंड को, फिर उसके बाद वो पैर को उनके फीट को टच करेंगे और उनसे ब्लेसिंग लेंगे। आज तो आई थिंक हर कल के दिन मतलब कि सभी को मिला होगा करवा चौथ का गिफ्ट कुछ ना कुछ, हस्बैंड की तरफ से किसी ने, हस्बैंड ने भी रखा है, कोई वाइफ तो रखती है नो डाउट, बट हस्बैंड भी रखते हैं। और फिर उसके बाद उनके हस्बैंड उनको खिलाते स्वीट। आप देख रहे स्वीट कैसे खिलाते हैं, मतलब कि ठीक है मैं किसी के, बट हाँ देखो बेचारे एक तो सुबह से रुके रुके और उसके बाद ये मोमेंट। और इसके बाद वो लिटरली वो जो भी है आंटी बोलूँगी मैं उनको, वो आंटी पानी पीते जा रही और मैं वीडियो निकाल रही हूँ, कभी ख़त्म होगा इनका, अब भी स्टॉप होगा। एंड शी इज़ लाइक कि पीते जा रही है। देखो उनके हस्बैंड भी हंसने लगते कि इतने सुबह से वो प्यासे थे कि वो पूरा एक ग्लास पानी उधर ही पी लिया, नहीं तो लोग दो सिप मार के स्टॉप होते हैं ना। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लोगों का फोटो पिक्चर्स भी डाला जो मैंने निकाला था स्पेशली, तो वो फोटोज़ भी अपलोड किया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मेरी दीदी एंड जीजू है जो उन्होंने भी करवा चौथ किया, बट वहाँ पे यूपी पे अच्छे से कर लिए, उनके यूपी में जल्दी आ गया था बट मुंबई में नहीं आए थे चांद। और यहाँ पे देखो वही है, पता नहीं किसने उनका वीडियो निकाला था, इतना ख़राब वीडियो, ओ माय गॉड, मेरे को तो बहुत ही ख़राब लगा। अच्छा वीडियो उन्होंने नहीं निकाला, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ देखना, नेक्स्ट टाइम अच्छे से उनका वीडियो निकाल देना, इतना भी ब्लर मत कर दो कि उनके मोमेंट ही ख़राब हो जाए देखने के बाद, भाई इतना बकवास। और उसके बाद ये मेरी मामी है जो कर रही है पूजा, क्योंकि बहुत लेट आता है चांद, तो उनको कोई उनके साथ कोई ऊपर टेरिस पे गया नहीं फोटोग्राफी एंड पिक्चर्स करने के लिए कि वो अच्छे से अपना पिक्चर्स निकाले, क्योंकि 10:30 बजे के बाद आया तो कौन जाएगा कि फ़ोटो निकाले। उनका भी यही था कि मैं फटाफट पूजा पाठ कर लूँ, मतलब कि जो भी है रीति रिवाज कंप्लीट कर लूँ अपना, क्योंकि लेट होता ही है, बट ऑब्वियस आप सुबह से वेट कर रहे हो, आपके पास ताकत कितना ही बचा रहेगा। और ऑलरेडी मेरी मामी मतलब कि फास्ट में शी कांट बैड इज ऑल लाइक पता नहीं, बट लोग बोलते ताकत आ जाते हैं, यू नो जय माता जी। तो वहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, थैंक यू। सो फाइनली मुझे कुछ वीडियो मिल गया मेरी मामी की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मामा कितने क्यूट लग रहे हैं, एंड माई मामी ऑल्सो लुकिंग ब्यूटिफुल, लिटरली शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और हर साल उनका रहता है, और बट ऑब्वियस इनको भी मिला होगा करवा चौथ का गिफ्ट, मुझे तो नहीं पता, लिटरली मैं टॉन्ट बोल रही हूँ, मैं लिटरली ऐसे ही बोल रही हूँ, बट हाँ डेफिनेटली उनको मिला होगा क्योंकि मेरे मामा है ही इतने स्वीट एंड क्यूट कि वो कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। मेरी मामी को जो भी चाहिए वो ऐसे ही दिला देते हैं। एनीवेज और मेरे घर पे मतलब कि मेरी मामी के साइड में मतलब मम्मा के साइड में मामी, मेरी तीन मामी रखे होंगे मुझे इतना आइडिया नहीं है। और मेरी मम्मी के ससुराल के साइड का मुझे नहीं पता कौन रखता है कौन नहीं रखता है, क्योंकि वी आर नॉट इनटू दैट मच, तो हमें कुछ आइडिया नहीं उनके वो फैमिली के बारे में कि कौन रखता है कौन नहीं रखता है। बट मेरी मामी रखती है, हमें पता है क्योंकि लाइक हम लोग बहुत क्लोज, यू नो हर कोई अपने नाना की फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड होता है, तो हम लोग भी बहुत अपने नाना मामा मीन्स मैं तो बहुत ज़्यादा अपने मामी लोग से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत ही मज़ा आता है मामी लोग के साथ, बहुत इंजॉय किया हम लोग ने, क्योंकि जब तक मामा के घर पे किसी की शादी नहीं हुई थी मीन्स जो बैचलर्स आ रहे थे।